हाय मोशन टीवी की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा बत और हमारे साथ आज मौजूद हैं शुएब मोहम्मद साहब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और लेजेंड हनीफ मोहम्मद के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक सर। अब तक ट्रायल किस तरीके का गुजर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव है कराची के बच्चों के लिए, इन द सेंस कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है और आज ये यूएस ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट जो यूएस में मायामी में खेला जाने वाला है उसके लिए पोटेंशियल हम देख रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ये 2008 में हमारे साथ ही शुरू हुई थी और जिसमें लेटर ऑन जो बहुत से प्लेयर्स वो खेले जिन्होंने पाकिस्तान टीम को भी अभी लेटली वर्ल्ड कप के मैचेस में हराया है। तो ये यूएस ओपन क्रिकेट जो है अफजाल कुरैशी साहब इज द मैन बिहाइंड इट और वो उनका ब्रेन चाइल्ड ये था कि फ्रॉम द वर्ल्ड गो जब 2008 से लेके आज अब उन्होंने ये एक स्टेप लिया है कि हमारे यहाँ के बच्चों के लिए भी एक मौका है, इंसेंटिव है। और वो बच्चे जिनको सोच भी नहीं सकते थे लेकिन अपने पोटेंशियल अगर दिखा सकते हैं तो 2 सालों में। सर, बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं और मैं कहती हूँ कि मैक कुरैशी साहब का बड़ा ही कोई ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंटरनेशनली एक्सपोजर उनको मिलने वाला है। आपको क्या लगता है जितनी बड़ी तादाद में प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए हैं तकरीबन कितने प्लेयर्स आपको आज के उस पर ट्रायल में मिल सकते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर बच्चे तो इतना ज़्यादा नहीं खेलने वाले नज़र आए लेकिन उसके अंदर कुछ पोटेंशियल ऐसा मुझे नज़र आया कि जो उनके साथ काम किया जाए तो वो लेटर ऑन दे कैन बी पार्ट ऑफ बिगर टीम और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। देखिए, उनके अंदर इतना पोटेंशियल डेफिनेटली, स्पेशली सम फास्ट बॉलर्स आई हैव सीन टुडे दे वर प्रीटी गुड और उनकी थोड़ी सी ट्विकिंग करके और उनको फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। सर, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी मतलब अच्छी खासी एक वुमेन्स की टीम भी है, क्रिकेट टीम भी है, जिस तरीके से इन लड़कों को एक्सपोजर मिल रहा है तो वुमेन के लिए आप लोगों का कोई इनिशिएटिव है? अमेरिका में क्रिकेट खेली तो जाती है लेकिन अभी नेचुरली वुमेन्स क्रिकेट अभी बैक स्टेज के ऊपर है इतना ज़्यादा, जिस तरह मेंस की ब्लूम करी है क्रिकेट वहाँ लेती और क्रिकेट ग्राउंड्स और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी आप ये देखें, बीइंग इन पाकिस्तान वुमेन की हमारी टीम भी है बट यस दे आर हार्डली इवन 300 वुमेन क्रिकेटर्स who are playing cricket around Pakistan, that is, or even less I would say, बल्कि इससे भी कम है, शायद 150 बच्चियाँ खेलती हैं। तो इसका मतलब ये कि उनको और पुश करना चाहिए फैमिलीज़ को, वो चाहते भी हैं लेकिन ऑफकोर्स बोर्ड हैज़ टू प्ले इट्स ओन पार्ट ऑल्सो इन द सेंस बाय प्रोवाइडिंग दैम मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर ग्राउंड फैसिलिटीज, more incentives at the same time, so you know girls can come out and would love to be part of any of the sides around. So wo cheeze jab tak ek support ke bagair ek bachcha ek family aajkal mehngi itni cheeze ho gayi hain ki wo cricket is an expensive game to be very honest aur uske andar aur dedicated time, quality time chahiye hota, it's not an hour or it doesn't take 2 hours, it takes a whole day. And year after year, you have to be, be
एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन मेंटली फिजिकली टेक्निकल एबिलिटी हैज़ टू बी स्पॉट ऑन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ट्रेड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैज़ टू बी नोन थ्रू बेटर माइंडसेट के जो लोग हैं हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में उनकी उनकी हेल्प से डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है. बट ओनली इफ इट्स अ बिग इफ दो पीसीबी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो या सम स्पॉन्सरशिप इस तरह की ग्रेट शेक्स जो पैदा कर सके देन ओनली देयर विल बी मोर वेमेन प्लेइंग द गेम इट्स. आई टोटली सपोर्ट योर थॉट्स. थैंक यू सो मच सर. एक मैसेज जो आप हमारी देखिए स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग कि आज आप खेलेंगे और इससे जब उससे आपको फ़ायदा होगा तो देन जनरेशन नेक्स्ट वुड ऑल्सो बी ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज यू नो द इंट्रिकेसीज द क्वालिटीज एंड द बेटरमेंट व्हाट इट ब्रिंग्स टू योर बॉडी. सो सिंपल एज दैट 2+2 है. अगर आप करेंगे ये चीज़ें तो आप अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ मकबूल साहब और आज हम बात करेंगे US क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल के बारे में. आतिफ साहब सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि बेहतरीन इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहे हैं और मैट कुरैशी का ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा मज़ीद. देखिए मैट कुरैशी एक बड़ा नाम है US का, तो मैं वहाँ खेल कर भी आई कोई नामो निशान मिल रहा जो क्रिकेट को लोग जानते भी नहीं थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टेप 20 साल पहले लिया था बड़े प्लेयरों के साथ. जावेद मेहरा साहब यहाँ टीम लेके गए थे, वहाँ से विमेन क्रिकेट टीम लेकर आए थे, वेस्ट इंडीज से एक फेस्टिवल मैच हुआ था, तो वो एक समझ आया था कि यार ये क्रिकेट है, गोरों को एक चीज़ ये दिखाई थी. और उसके बाद फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे जो है इस पर काम करना शुरू किया और फिर लीग छोटी मोटी लीग वीकेंड लीग इस तरह के टूर्नामेंट हुए. फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी जो है अपने क्रिकेट सर्कल में कोशिश की कि यार ग्राउंड्स बनाओ. मैं ग्राउंड जब बनते हैं आपको पता है ग्राउंड आबाद करना बहुत आसान है, जब ग्राउंड हो तो वो आबाद हो ही जाते हैं, प्लेयर्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं. तो इस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया था कि यार क्रिकेट को जितना प्रमोट कर सकता हूँ मैं करूँ. और लास्ट उसका ये था रिजल्ट कि जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अमेरिका से खेली है उसकी हारने की वजह मैं समझता हूँ वो बंदा मैं कुरैशी था. जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया, जिस तरह से क्रिकेट को चलाया, जिस तरह क्रिकेट के माइंड में लोगों को बिठाया, तो ये सब चीज़ उनकी क्रेडिट है. मैं जाता हूँ उनको दे दूँ कि जितना उन्होंने लड़कों के लिए किया और इसलिए अभी तक कर रहे हैं कि ये काबिशनी की वजह से सॉरी ये काफ़ी सुनी की वजह से है कि जो आज वो पाकिस्तान के यंगस्टर प्लेयरों को मौका देने की कोशिश करेंगे यार आप भी US आएँ और अपना अपना आपको मनवा सकते हैं किसी भी लीग में, CPL है, कैनेडियन प्रीमियर लीग है, US लीग है, ये उनके लिए इनिशिएटिव है. तो ये उनकी अच्छी सोच है जिसमें हम जैसे लोगों को साथ देना चाहिए. जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ है मैं कुरैशी साहब ने इंटरनेशनली तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो यूथ है उनके लिए भी वो कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि हमारे पाकिस्तानी बच्चे पीछे ना रहें. आतिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि दिसंबर में ये ट्रायल्स होने जा रहे हैं फ्लोरिडा में और टूर्नामेंट होने जा रहा है फ्लोरिडा में और काफ़ी बड़ी तादाद प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो कितने प्लेयर्स आप लोगों ने फाइनलाइज कर दिए? देखिए हमारा फर्स्ट प्लान ये है कि जितने भी यहाँ US के जिनके पास वीज़े हैं कम से कम उनको तो जो इस साल रिकमेंड किया जा रहा है कि जो अभी एक महीने बाद टूर्नामेंट है फ्लोरिडा में US ओपन के नाम से, तो ये उसमें कंसीडर हो सकते हैं. और जिनके पास वीज़े नहीं और टैलेंट बहुत अच्छा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, तो उनको हम नेक्स्ट ईयर में कंसीडर करेंगे. उनको नेक्स्ट ईयर हम US की तरफ से लेटर दें और वो अपना वीज़ा लगवाएं और US में जाकर इसीलिए अपना नाम बना सकते हैं. आदर्श कुछ देर पहले हमारी आपस में कॉन्वर्जेशन एक हो रही थी खवातीन के हवाले से कि हमारी खवातीन भी क्रिकेट के मैदान में पीछे नहीं है, तो जिस तरीके से ये लड़कों के लिए प्लेटफॉर्म है तो लड़कियों के लिए आप लोगों का क्या विचार है? देखिए मैंने तो इससे पहले भी एक जगह मैंने बात की थी कि यार ये प्लान जो है लड़कियों के भी होना चाहिए क्योंकि वुमेन की ज़्यादा प्रमोट हो रही है. हमारे पाकिस्तान में इतनी प्रमोशन नहीं है वुमेन को, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखें तो काफ़ी इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसी टीमें जो बड़ी टीम है वो अपनी वुमेंस को प्रमोट कर रही हैं, तो हमें भी इनकी प्रमोशन के लिए कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसा इनिशिएटिव करना पड़ेगा कि यार इनके लिए भी कोई लीग मैनेज होनी चाहिए जहाँ यंगस्टर हों या स्टार्स हों तो वो सब जाकर वहाँ खेल के अपने आप को प्लेयर बना सकती हैं और जब प्लेयर बनती हैं तो फिर वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर सकती हैं. तो ये प्लेटफॉर्म बन सकता है ऐसा, ये अच्छा इनिशिएटिव होगा. मैं बात करूँगा मैक भाई से कि इस पर भी काम किया जाए और ये वुमेन के लिए भी एक अच्छी चीज़ है. चले हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, वेल विशेस हमारी आपके साथ है, हमारी पूरी कोशिश भी है और हम दुआ भी करते थे बड़ी अच्छी आपको टीम आज के इस सेगमेंट से मिले ताकि वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके.
थैंक यू सो मच आतिफ फॉर टाइम। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाहिद अली खान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये जो आज लीग होने जा रही है US ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट की जो ट्रायल्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशली कराची के खिलाड़ियों के लिए, चूँकि कराची क्रिकेट का हब है बल्कि उसको नर्सरी भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ ट्रायल हो रहे हैं तो इट मींस कि यहाँ से बहुत अच्छा टैलेंट बरामद होगा। और चूँकि ये इनिशियल स्टेज है और फर्स्ट फेज में ये जो मुझे इतलात मिली हैं वो ये हैं कि जिनके वीज़े लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं खिलाड़ी को कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड फेज में मे बी एक साल के बाद शायद उनको रिजर्व में शॉर्ट खिलाड़ी होंगे उनको भी कंसिडर कराएंगे। लेकिन ये मैच की बहुत अच्छी काबिश है कि उन्होंने एक कराची से शहर को भी मुंतखब किया कि कराची से जो खिलाड़ी हैं वो भी अप कंट्री जाके जो है अपना टैलेंट दिखा सकें। सर स्पोर्ट्स की दुनिया में एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आपका बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके से आपको पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हालात और स्पेशली कराची में हम अक्सर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना? लेकिन सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के हवाले से आपने पूछा, तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बहुत अच्छी चल रही थी, रिदम में थी। लेकिन जो रिसेंट पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में और फिर ऑनवर्ड सीरीज़ में, उससे जो तमाशाई हैं जो खिलाड़ी हैं वो बहुत मायूस हुए, डिसहार्ट हुए, इसलिए कि टीम से कभी भी हमारी टीम इतनी डिक्लाइन में नहीं गई जितने के रिसेंट वर्ल्ड कप में हुई। उसके बाद अब टेस्ट सीरीज जो हुई है उसमें पाकिस्तान ने कमबैक किया, बड़ी खुशहाल बात है। इस वक्त पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, उसमें भी टीम की परफॉर्मेंस से अच्छी तवक्कात से वाबस्ता हैं। जहाँ तक कराची के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की बात है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं जब से आई थिंक 36 ईयर्स हो गए मुझे फील्ड में स्पोर्ट्स की, तो उस ज़माने से मैं देखता चला रहा हूँ। उस वक्त सराज उस्ताम बहाली साहब हुआ करते थे, KCC हुआ करती थी कराची क्रिकेट एसोसिएशन, उसके बाद फिर KCC बनी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि कराची के साथ तो हमेशा खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ नहीं है, और उसमें मुतहद खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी क्रिकेट खिला के फिर साइड लाइन कर दिया गया, जिनकी मैं मिसाल दूँगा हसन रजा, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया सबसे कम उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, फैसल इकबाल हैं, और इवन ये कि अगर आज देखा जाए ना तो टू बी वेरी फ्रेंक सरफराज के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई कि वो एक सीरीज जीत गए और परफॉर्म नहीं किया तो उनको बाहर कर दिया गया, जबकि उसने कांस्टेंट जो है 11 या 12 सीरीज आई थिंक उन्होंने जिताई थी पाकिस्तान को। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी सरफराज ने बीइंग ए कैप्टन बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन ये कि ये कांस्टेंट ज़्यादती का सिलसिला जारी है और एक मखसूस लॉबी है जो PCB को होल्ड करती है और करती चली आ रही है, उनका जो मेरिट का सिलेक्शन है वो बहुत अजीब सा है, उसमें कराची के खिलाड़ी जो है फिट नहीं होते। सर ये तो एक कहा जाए तो बहुत डीप कॉन्वर्सेशन है, इसके मजीद जितना ज़्यादा बात की जाए पूरा दिन ही हमारा चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं, और ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारे जो नौजवान हैं वो कितना ज़्यादा एंथुसियास्ट हैं क्रिकेट को लेकर, वो चाहते हैं आगे बढ़ना और वो प्लेटफॉर्म जिस तरीके से चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज के इस ट्रायल के बाद कितने अच्छे प्लेयर्स हमें मिल सकेंगे? नहीं देखें, खिलाड़ी का हमेशा एक अज़म होता है जो मैंने नोटिस किया है अपने स्पोर्ट्स करियर में, स्पोर्ट जर्नलिज्म के करियर में, उसका अज़म ये होता है कि मैं आज नहीं कल सेलेक्ट हो जाऊंगा। और हमने देखा है ऑल ऑफ सडन भी खिलाड़ी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है लेकिन उसको कॉल आ जाती है, सेलेक्ट हो जाता है। तो खिलाड़ी की जद्दोजहद मेहनत और लगन का सिलसिला तो जारी रहता है। आज आप देख लेना कि आज 2 बजे अनाउंस किया गया था और आई थिंक 12:30 बजे से खिलाड़ी आना शुरू हुए थे, तो तकरीबन मोर देन 2000 खिलाड़ी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। तो ये इस बात का एविडेंस है कि खिलाड़ियों की मेहनत और लगन, बावजूद इसके कि दे नोज़ वेरी वेल कि भाई कराची के खिलाड़ी के साथ माजी में भी बड़ी ज़्यादती हुई है और मुस्तकबिल में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन तो नहीं छोड़ सकते ना। ज़ाहिर है आज नहीं कल उनको मकसद चांस मिल सकता है, तो वो जैसा कहते हैं ना कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। और पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान थे इमरान खान साहब, वो हमेशा ये कहते थे कि फ़ाइट टिल द एंड, वो लास्ट बॉल तक जो है फ़ाइट करने का अज़म रखते थे, और आप देखें अल्लाह पाक ने उनको बहुत कामयाबी दी है। बिल्कुल सर,
बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात से इत्तेफाक करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे माशरे में जो यंग टैलेंट है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी की वजह से पीछे ना रह जाए, और आज की इस लीग में हम पूरी एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बड़े अच्छे प्लेयर आज की इस लीग में हमें मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने अपना टाइम हमें दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज मौजूद हैं फैसल इकबाल जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर। बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और अब तक कोई हीरा तराशा आपने? जी बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे कराची के अंदर हमेशा टैलेंट बहुत है, और मैं हमेशा से बोलता हूँ जब भी लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो बिल्कुल मौजूद है। अब टैलेंट मौजूद है, उसको आपने पिक एंड चूज करना होता है, उनको फिर पॉलिश करना होता है, और फिर हमें आगे लेके चलना पड़ता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि सारे टैलेंट कहाँ से आया है, किन अकेडमी से आया है, कौन से लोग इनको ट्रेन करते रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देख के जो फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। टोटल कितने प्लेयर्स आज की इस ट्रायल में आप लोगों ने फाइनलाइज किया? आई थिंक अभी तो हमने सिर्फ ओवरऑल लिस्टिंग करनी है कि हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं। आई थिंक अराउंड 200 प्लस के करीब मुझे अभी पता चला है कि नंबर आया हमारे पास, और आई थिंक इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो इन सारी चीज़ों का वो जाता है क्रिकेट काउंसिल का, मैं उसके मैं कुरैशी साहब इसलिए होते हैं, और आई थिंक उनकी ये काविशों से जो है कितने सालों में क्रिकेट US में बड़ी डेवलप हुई, और हम उनका पार्ट पिछले 2008 से एक हिस्सा रहे हैं, स्पेशली मैं साथ जितने हैं और भी दुनिया के जितने हैं, तो हम पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, और आई थिंक उनका जो विजन उस वक्त था उसका आपने रिजल्ट अब इस वक्त की T20 वर्ल्ड कप में USA क्रिकेट टीम में देखा होगा, जो वो सारे प्लेयर खेले थे जो हमारे साथ खेलते थे, तो आई थिंक उन्होंने अपना एक फेज़ तो अचीव कर लिया इतने सालों के बाद, और अब उनका सेकंड फेज़ जो है वो ये है कि उसमें वो पाकिस्तान से टैलेंट जो है उसको ढूंढ के वहाँ पर अमेरिका में अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं USA इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, सो क्रिकेटर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा यहाँ पर काम सिर्फ इतना ही है कि हमने यहाँ से एक टैलेंट पिक करके आगे उनकी मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देना है, और लेट्स सी आगे क्या होगा। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कराची के प्लेयर्स को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है, तो इसके बारे में ये आपने बहुत एक मेरे से बड़ा टेक्निकल और मुश्किल सवाल कर दिया है कि इस पर मैं क्या कहूँ, बट देखें मैंने सीखा है और जो मैंने अपने करियर में हासिल किया वो यही था कि आप हार्डशिप से जो है ना एक टफ इंसान बनते, और हार्डशिप जो है ना वो आपको खाली आपके स्पोर्ट्स में हेल्प नहीं करती। मैं अब स्पोर्ट्स ख़त्म करने के बाद अब दूसरी फील्ड में हूँ, अपनी कोचिंग की, सिलेक्शन की और मैनेजमेंट की, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो हार्डशिप का फ़ायदा कितना हो रहा है, कि बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स हैं जो आप शायद एक आम प्लेयर के तौर पर हैंडल ना कर सकते हैं, आप इस सिचुएशन में वो हैंडल करने के बाद आप यहाँ ईजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको एक टफ इंसान ज़रूर बनाता है, बट आई एम श्योर हमेशा से हम कहते रहे कि कराची के लड़कों या वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे शहर के सेलेक्ट हैं, अच्छा टैलेंट कहीं पर भी आया तो उनको ज़रूर मौका देना चाहिए, और आगे उनको ग्रूम करना चाहिए जिस तरह मनपसंद लड़कों को किया जाए। सर मुझे बताइएगा कि हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जब बच्चे आना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको किस कॉम्पिटिशन का? देखिए किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, आप वर्किंग जॉब में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हार्डशिप्स तो आपको आएंगे, तो हार्डशिप्स के लिए जो है आपको अपने जो अभी आपके मेंटर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके कोचेज हैं, उनको आपको रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भी मैं अभी देख रहा हूँ, कोचिंग में मैं अक्सर देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ कि मैं अभी किसी से भी लड़के से पूछता हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन है, किसी के पास जवाब नहीं है, यहाँ पर भी किसी के पास जवाब नहीं, किसी को रोल मॉडल पता ही नहीं है कि होता क्या है, बस कोई बाबर का नाम ले लेगा, कोई किसी का नाम ले लेगा, लेकिन रोल मॉडल क्या होता है वो उनको पता नहीं है। तो ये ऑब्वियसली ये उनके ऊपर जाता है जो इनके कोचेज हैं, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उनको सिखा के हमारे लेवल तक भेजते हैं। तो आई थिंक नीचे सतह के ऊपर भी बहुत काम करना बाकी है, टीचर्स का, कोचेज का, और जो लोग क्रिकेट को चलाते हैं, क्लब क्रिकेट वाले या उनके। मैं कुरैशी के इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आने सालों में आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखेंगे? बिल्कुल, देखें इस वक्त तो T20 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस ही US में मैच भाई ने करवाया था, और हम उनका पार्ट थे उस पहले टूर्नामेंट का, और मुझे अच्छी तरह याद है उनका विजन जो था, उन्होंने मुझसे भी डिस्कस किया था कि वो चाहते हैं कि US के अंदर जो है वो क्रिकेट ग्लोबलाइज हो पूरे US के अंदर, और जिसका रिजल्ट आपने 20 दफ़ा के T20 वर्ल्ड कप में देखा तो वो उनकी एक अचीवमेंट है, उसका क्रेडिट उनको US में भी मिल रहा है बहुत, और अब उनका नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने पहले कहा कि ये है कि अब वो ग्लोबल टैलेंट को जो है वो लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी पाकिस्तानी है और कराची से बिलोंग करते हैं, तो उनका इस वक्त गोल है कि पाकिस्तान से हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं
उनको यहाँ पर लेकर आए। पंजाब में भी वो एक टूर्नामेंट कराते हैं, उनका हर साल टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर बहुत प्लेयर वहाँ से भी पिक होते हैं। तो इनका एक 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 क्राइटेरिया है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो है वो उस टैलेंट को उस सिस्टम में जो टीम ओनर्स होते हैं या जिन लोगों को प्लेयर्स चाहिए होते हैं उनके पास एक पूल में डाल के दे देते हैं। उसके बाद फिर उन प्लेयरों की किस्मत है कि वो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूं और थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आज मौजूद हैं फैजान जो पीसीबी कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएंगे? मैं ठीक ठाक सर। बहुत बड़ी तादाद में प्लेयर यहाँ पर मौजूद है और अब तक कितने हीरे तराश लिए आप लोगों ने? हाँ, मेरी नज़र से और जितने बड़े पाकिस्तान के इसका स्टार आए हैं, लेजेंड आए हैं, जो सिलेक्शन पैनल में शोएब अहमद साहब, कैसर इकबाल साहब, सबीर अब्बास और आतिफ मकबूल और नवाब आलम साहब, तो मेरी नज़र में दो तीन तो बहुत अच्छे प्लेयर मुझे नज़र आए। बैटिंग में दो प्लेयर बहुत अच्छे थे, बॉलर बहुत अच्छा था, लेफ्ट आर्म तो नो डाउट सम ऑफ द गुड टैलेंटेड प्लेयर बड़े नज़र आए, अच्छे थे, उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छे करेंगे। बैक कुरैशी के इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखने को आ रहा है कि टूर्नामेंट फ्लोरिडा अमेरिका में होगा, 14 दिसंबर को लेकर 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। उसकी ट्रायल कराची में कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यूनिक थिंग, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन क्रिकेटर्स के लिए जो कि अमेरिका में जाकर अपने टैलेंट को शोकेस करेंगे उस लीग के अंदर, जो कि 6 टीमों की लीग है और उसमें वो मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बनेंगे। प्लेयर जहाँ से 15 प्लेयर सेलेक्ट हो गया, समाओ 20 भी हो सकते हैं, टीमों की रिक्वायरमेंट है कि उनको ड्राफ्ट में कितने कितने प्लेयर किए जाएँ। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मोहम्मद अफजाल कुरैशी साहब, मैक कुरैशी, जो अमेरिका में क्रिकेट के बानी है, T20 क्रिकेट के बानी है, उन्होंने बड़ा उठाया 2007-08 में जब अमेरिका में क्रिकेट को इस तरीके से नहीं देखा जाता था। आज अमेरिकी क्रिकेट में जितनी भी बेहतरी है उसमें मक कुरैशी साहब, मोहम्मद अफजल कुरैशी साहब का बड़ा किरदार है, उनकी बड़ी कोशिश और काबिश है कि उन्होंने स्टेप लिया उस दौर में जब क्रिकेट वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसमें मैं साथ साथ सराहूँगा आतिफ मकबूल को, जिनका इनिशिएटिव कराची में, जो उसके यहाँ कराची में हेलीकॉप्टर कर रहे हैं, तो उसको ऐड कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट नासिर अब्दुल्ला, आसिफ शाह साहब हैं, सरफराज साहब हैं, और सिलेक्शन पैनल में इतने बड़े लोग हैं सर, मैं सिलेक्शन पैनल शेयर किया शेयर मोहम्मद साहब के साथ, मेरे लिए बहुत अच्छा की बात। मुझे बताइएगा श्रीलंका में अंडर-19 सीरीज होने जा रही है, उसके बारे में थोड़ी हाइलाइट्स। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पर निगाह रखी हुई, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी निगाह होती जा रही है वर्दापुर साहब, तो आप WB प्रोटेक्शन के साथ भी आगे बढ़ती जा रही है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एज वेल। मगर आपका क्वेश्चन अपनी जगह वहाँ कायम है कि पाकिस्तान श्रीलंका से सीरीज होने जा रही है, उसमें मैं आपको एक बड़ा शेडिंग पॉइंट देता हूँ कि जिस बच्चे के लेग स्पिनर के कराची से नाम नहीं लूँगा क्योंकि कैरियर पर यहाँ उसके मसाइल ना आ जाएँ, मैं नाम नहीं रहा, बस क्रिकेट देखने वाले समझते हैं, उसके 15 आउट हैं पाकिस्तान अंडर-19 टीम में, वो नहीं जा रहा, और जिसके 2 आउट हैं पेशावर से, बच्चे का ताल्लुक है, वो जा रहा है। तो 2 और 15 का डिफरेंस इतना बड़ा है, इस पर इतनी अनहोनी होना और इस तरह की सिलेक्शन होना, ये बड़ा एक अलमिया है और ये बड़ा एक मतलब अफसोसनाक बात है। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ कोच, बीइंग अ क्रिकेट लवर, कोई भी देखेगा तो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि कितनी बड़ी परफॉर्मेंस थी बच्चे ने की, हो किसी सूबे का हो, किसी शहर का हो, किसी भी जगह का हो, परफॉर्मेंस वाले को लेना चाहिए। और यहाँ यही चीज़ को बुनियादी रखा जा रहा है इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में, स्ट्राइज में, तो फैसल इकबाल साहब की बड़ी तंबी और शेख मोहम्मद साहब की बहुत ही प्योरली ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं, यही हमें सारे कोचेज को करना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर बेहतर होगी ना तो कोचेज़ को और तमाम मैनेजमेंट को, तमाम रफाका का जो क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले हैं उनके पेज पर आना और क्रिकेट की सही मानव खुदमत कर लेगी और प्रॉपर मेरिट को फॉलो करना को फोकस कर लेंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ फैजान, जिस तरीके से आप कोच हैं और क्रिकेट की दुनिया में बहुत एक अहम किरदार आपने अदा किया है, मुझे बताइएगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो अभी क्रिकेट की दुनिया में कदम रख रहे हैं, उनको सबसे पहले कौन सी ऐसी हर्डल है जो फेस कर रहे हैं? सबसे पहली हर्डल जो उनको फेस करनी पड़ती है वो आजकल कॉस्ट ऑफ क्रिकेट, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बहुत महंगी है, महंगाई तो सब जगह ही, मगर उसके लिए साथ साथ ये है कि हमारे गवर्नमेंट के अंडर में जो ग्राउंड्स आते हैं वो भी प्राइवेट ऑनरशिप पर दे दिए जाते हैं, प्राइवेट्स फिर उसको ऑनरशिप पर वो ऑन करते हैं और वो अपने मुँह मांगे पैसों में ग्राउंड रेंट आउट करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इन ग्राउंड की सस्ती करें और एक बेहतरीन इनिशिएटिव निकालें जिसमें लो कॉस्ट बजट पर ग्राउंड प्लेयर्स को टीमों को दिए जाएं, ताकि उनमें से ऐसे प्लेयर्स भी आ सकें जो इसको प्ले ऑफ नहीं कर सकते, अब क्रिकेट प्ले ऑफ होकर रहेंगे, क्योंकि अलमी है क्रिकेट का तमाम पाकिस्तान के ग्राउंडों में ये रेंट आउट ग्राउंड होते हैं जिन्होंने प्राइवेट पार्टनर्स ने लिए हुए हैं, पुराने लोगों ने लिए, कंपनी से लिए हैं, तो इसलिए क्रिकेट मुश्किल हो रही है, खेलना बच्चों को ग्राउंड तक आना मुश्किल है। और साथ साथ आजकल जो बहुत बड़ा हर्डल है बच्चों के अंदर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेंटली फिजिकली फिटनेस चाहिए, बच्चों मोबाइल गैजेट्स में बहुत पीछे हो गए, मोबाइल की तरफ उनका बड़ा फोकस है, एजुकेशन के बाद उनका जो दूसरा काम है ना तो मोबाइल है, जिसकी से हमारे बच्चे किसी और ट्रैक पर हैं, क्रिकेट में कम आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में आउटडोर एक्टिविटीज़ में कम आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहे हैं,
तो क्रिकेट को खेलने के किसी बच्चे को, तो मेरा मिशन है, मेरा जवाब है, मेरा मैसेज के लिए कि वो उसको 9 to 5 की जॉब में समझे। इसके लिए पूरा दिन लगता है, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, सुबह नमाज। तो मुझे एक सियासत का अंदर कोड याद आ गया, शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आज तक इसलिए नहीं आ रहा कि मैं सूरज से पहले उठ जाता हूँ। तो शेख रशीद साहब ने कही अपने इंटरव्यू में बात की कि मैं सूरज से पहले उठता हूँ, सूरज मुझे नहीं हरा पाया, तो इसलिए मुझे कोई क्या ससर्धन हरा पाया अपने लाल के साथ। तो मैं इन बच्चों को मैसेज दूंगा कि जो बच्चे सूरज से पहले उठते हैं वो यकीनन मेहनत करते हैं, मेहनत करें, मेहनत करने के बाद अपनी फिटनेस, रनिंग, एक्सरसाइज करें। हमारे यहाँ बच्चे को आप बोले ना बैटिंग बॉलिंग, वो बहुत शौक से करेगा, जब उसको ले फिटनेस तो उससे दाएं बाएं होगा, भागेगा। तो ये एक लैक है, ये कमजोरी है, इस पर बड़े बच्चों को फोकस करना होगा, बाथरूम को खासतौर पर तवज्जो देनी होगी कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज कराएं। वरना आप देख रही हैं जिस तरह हमारी यंग जनरेशन आजकल बहरा रवि का शिकार है, स्पोर्ट्स से दूर और सही सरगर्मियों से दूर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वेरी गुड, कराची में जितने भी क्रिकेटर्स अमूमी तौर पर उनको इसके बारे में पूछना चाहिए। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, उस पर जवाब देना बनता, और मेरा दिल भी चाहता है कि ऐसी बात में ऐसे सवाल आप जवाब दीजिए। फेवरेटिज्म और यहाँ पर जो कराची प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है या उनको इस तरीके से लाइन लाइट में नहीं लाए, ये अक्सर दराज से चलता रहा। इसमें कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स जो क्रिकेट के करता धरता उनको एक पेश करना, आवाज़ तो सीनियर से बुलंद करनी है, जो कि क्रिकेट के करता धरता हैं, KCCA, KRC, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य और तमाम लोग, क्रिकेट चलाने वाले लोग, क्रिकेट क्लब्स के लोग, ताकि कराची के बच्चों के लिए हम एक आवाज़ होकर आवाज़ बुलंद करें, ताकि उसके लिए सही वॉइस क्रिएट हो। हमारे यहाँ ही दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं हमारे क्रिकेट ऑर्गेनाइजर और तमाम क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर लोग ही मुख्य कश्तियों सवार हैं, तो इसलिए मुश्किल आती है। तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, क्रिकेट मेरिट पर होना चाहिए, कराची के बच्चों और कहीं के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। हमजा गांची की मिसाल दूंगा, एक बहुत अच्छा लेफ्टी बैट्समैन है कराची का, जिसे नेशनल बेंच से 300 रन भी किए फर्स्ट क्लास में, उस दौर में पाकिस्तान के लाइमलाइट में था, नहीं आया खेला, आसिफ जाते इस तरह कराची का बहुत बड़ा प्लेयर था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सारे के लिए पाकिस्तान का 12 मैन रहा, उसको पाकिस्तान की टीम टूर कराकर खिलाया नहीं गया। और इसी तरह काशिफ भट्टी, नवाब शाह गए, उनको भी कराची के अलावा उनके सिंध में बहुत बड़ा टैलेंट है। हम कराची की बात नहीं कर, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, कराची में सिंध में बाहर जाए तो काशिफ भट्टी पाकिस्तान ने 4 सीरीज में टीम के साथ रहा, उसको एक मैच नहीं मिला, उसके बाद वाले स्पिनर्स पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर गए। तो ये कलमी है, इस पर सिंध भर पर निगाह रखनी चाहिए, और हम तमाम सिंध के लोगों को, तमाम क्रिकेट को ये करना चाहिए, ताकि हम अपने प्लेयर्स के लिए फाइट कर सकें। थैंक यू, थैंक यू फॉर। You fly.